नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब सर्वर से दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, कितनी बार हम जाने अनजाने उन कामों को कर देते हैं जिससे हमारे जीवन से सुख समृद्धि हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। ऐसी गलतियां एक नहीं, ढेरों हैं, ढेरों। लेकिन आज कुछ ऐसी चीजों के नाम में बताऊंगी, अगर आपने इन चीजों का दान किया या किसी से लिया या दिया, जिंदगी दोस्तों नर्क के समान बन जाती है। तो जानकारी यदि आपको अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए। और दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके अच्छी जानकारियां हैं, इसलिए इन्हें शेयर करें। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आपने सुना होगा सबसे पहली चीज धन, पैसे। धन वो चीज है जो किसी भी व्यक्ति को आपका शत्रु बना देती है और किसी भी व्यक्ति को आपका मित्र बना देती है। व्यक्ति को सबसे ज्यादा सावधान उस समय रहना चाहिए जब उसके पास धन हो। आप देखना दोस्तों, कितने ही अच्छे लोग बुरे बुरे कर्म, बड़े बड़े कुकर्म उस समय करते हैं जब उनके पास पैसा होता है और पावर होता है। क्यों? क्योंकि उस समय उनके पास चापलूसों की संख्या इतनी ज्यादा प्रमाण में होती है जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को गुमराह कर देते हैं। जैसे कि कोई छोटा मोटा व्यक्ति है जिसकी अपनी कोई औकात नहीं है, अगर वो अपने से किसी बड़े व्यक्ति से लड़ना चाहता है, झगड़ना चाहता है, अपना कोई ना कोई काम सिद्ध करना चाहता है और खुद उस काम को नहीं कर पा रहा है, तो वो उस आदमी को जाकर के जुझा देगा जो पैसे वाला है, जिसके पास पावर है। कंटिन्यू उसका कान भरता रहेगा कि वो व्यक्ति खराब है, वो व्यक्ति खराब है। और अगर ऐसे दो या तीन व्यक्ति मिल गए तो ये व्यक्ति जिसके पास किसी जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से धन और पैसा और पावर आया है, वो कुकर्म करेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब आपके पास पैसे हों, सबसे पहले पहचाने कि जो आपके इर्द गिर्द हैं उनमें चमचे कितने हैं। क्योंकि अच्छे लोगों की तो दोस्तों मैंने खासियत देखी है, जहां देखते हैं ज्यादा पैसा है, ज्यादा पावर है, अहंकारी है, अच्छे लोग हमेशा उससे दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई लोभ लालच होता नहीं है। अच्छा इंसान किसी से मिलता है तो उसका एक ही ध्येय होता है, अच्छे से उठा बैठा जाए, अच्छे से बातें की जाए, मन का बोझ हल्का किया जाए, कुछ एंजॉय किया जाए, बस। लेकिन जो लोभी हैं, लालची हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसे लोग इसी टाइप के लोगों को खोजते रहते हैं। आप फेसबुक पर जाएं, देखें कितने ऐसे लोग पड़े हैं जिनकी कोई औकात नहीं है। ये मंत्री है, इसके साथ फोटो पड़ा लो, ये यहाँ का पावरफुल इंसान है, इसके साथ फोटो पड़ा लो, अरे उसके पैर छू लो, अरे उसके घर में झाड़ू लगा रहा है, फोटो ले रहा है, फेसबुक में डाल रहा है। इससे तेरी कितनी औकात है? वो व्यक्ति तो है जो है, तो सिर्फ उसके बाजू में खड़ा होकर के धन्य धन्य हो गया है ना। तो इस टाइप के लोग समाज में बहुत ज्यादा है। धन आपके पास है, सावधान रहे। दोस्तों, यदि आपके पास ज्यादा पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, वो लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, यही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। यदि आपने पैसे दिए और जब आप वापस मांगेंगे, सामने वाला आपसे मुंह छुपाएगा। जो रोज आपके पास आकर के बैठता था, 100 बहाने मारता था, बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, रोज आपको भगवान बना देता था, वो आपका फोन भी नहीं उठाएगा। आज शादी में चला गया था, कल अम्मा मर गई थी, परसों चाचा की शादी है, नर्सों बाहर गांव जाना है, अब तो तीर्थ चले गए, मतलब पैसे आपके वापस आने नहीं है और आपको होगा मन दुख। इतना ज्यादा मन दुख होगा कि आपके अंदर तरह तरह के विचार आने लग जाएंगे। पैसे देकर के भी आपकी कंडीशन डाउन नहीं, बहुत डाउन हो जाएगी। कभी किसी को धन उधार ना दे। दूसरा,
कभी किसी से धन उधार भी ना लें। आपका काम होता है, आपने पैसे ले लिए, बराबर, आपने सोचा यहां से आ जाएगा मैं उसको दे दूंगा, वहां से आ जाएगा दे दूंगा। जो दोस्तों पैसा दूसरे के हाथ में है उसका कभी भरोसा नहीं है कि वो कब आएगा। पुस्तकेषु हिया विद्या परहस्तेषु यत धनम नसा विद्या न तद धनम, है ना। पुस्तकेषु हिया विद्या परहस्तेषु यत धनम, किताब में रही हुई विद्या आपके किस काम आएगी? उस विद्या को जब तक आप पढ़ नहीं लेंगे, अपने अंदर पचा नहीं लेंगे, समय पर आप उस ज्ञान का यूज कर लेंगे। ज्ञान कितना ही है किताबों के अंदर बंद है तो समय पर काम नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको अपने हस्तगत नहीं किया है, वो आपके पास नहीं है, वो किताबों में है। ऐसे दूसरे के हाथ का धन आपके पास कब आएगा पता नहीं है। नसा विद्या न तद धनम, न वो विद्या विद्या है, न वो धन धन है जो दूसरे के हाथ में है। लेकिन आप दूसरे के हाथ के धन का वायदा करते हैं किसी और से, जब वो धन नहीं देता है तो आपकी कुटाई पिटाई होती है, बेइज्जती होती है, लोग तरह तरह से बेइज्जती करते हैं। मैंने कई लोगों को दोस्तों देखा है जिन्होंने पैसे ले लिए, समय पर नहीं लौटा पाए, अच्छे खासे इज्जतदार लोगों को बिल्कुल नहीं, जैसे लोगों ने जिस तरीके से धुतकारा है, भगाया है कि आंखों में पानी आ जाता है कि इस व्यक्ति की ये दुर्दशा सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि इसने इसके पास से पैसे उधार लिए थे। कोई कितनी ही अच्छी बात करे, कितनी ही बड़ी बात करे, कोई कितना ही आपका अच्छा बन करके आए कि मैं आपकी मदद करता हूँ, आप ले लो इस चीज को, अरे जब हो तब देना, ना, उतनी ही चादर फैलाए जितनी आपकी औकात है। तो धन न ले न दे, मेहनत करें, अर्निंग करें और उसमें से जो कर पाते हैं उतना करें, है ना। दूसरी चीज दोस्तों, घड़ी, घड़ी, ये चीज दोस्तों कभी आपको, यदि आपका अच्छा समय चल रहा है, किसी को भी गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। कहते हैं ना, इंसान बलवान नहीं है, समय बड़ा बलवान, सब कुछ जो हो रहा है वो समय की ही देन है। यदि आपका अच्छा समय होगा, जमाना आपके तलवे चाटता है, जिस दिन आपका समय खराब आ गया दोस्तों, आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। जब जिंदगी में अंधेरा होता है, जब आप अंधेरे में खड़े होते हैं, सबसे पहले कोई चीज अदृश्य होती है तो वो है आपकी अपनी परछाई। ऐसे ही जब आपका खराब समय आता है, सबसे पहले वो अदृश्य हो जाते हैं जो आपके इर्द गिर्द चमचे बन करके आपकी रातों दिन सेवा पूजा कर रहे थे। समय व्यक्ति की पहचान बताता है। तो जब आपका अच्छा समय चल रहा है, समय का, समय को इंडिकेट करने वाली जो चीज है वो है घड़ी। कभी किसी को गिफ्ट में ना दे, वरना आपका अच्छा समय उसके पास चला जाता है। कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति का खराब समय चल रहा है और वो इस टोटके को जानता है, तो वो घड़ी आपको गिफ्ट में देकर के जाएगा। आपका अच्छा समय उसके पास चला जाएगा, उसका जो बुरा समय है वो आपके पास आ जाएगा। आप लिख लो, आपको यदि विश्वास ना हो, कोई बहुत ही, जिसके घर में बहुत कलह हो रहा है, कोई बीमार रह रहा है, उसके जिंदगी नरक नरक है, उसके पास से आप घड़ी लेकर के देखो, आपको 15 दिन में पता चल जाएगा कि उसके घर में जितनी प्रॉब्लम थी वो आपके घर में अब आ चुकी है। तो कभी भी दोस्तों घड़ी न दान में दे न ले, इन दो चीजों का तो बहुत ही ज्यादा ध्यान दे, जिंदगी में सुकून रहेगा। करके देखें और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें। ये तमाम फ्रॉड लोग हैं जो आपको मेरे नाम से लूट रहे हैं, इनसे सावधान रहें। जय श्री कृष्ण।